हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माई सेल्फ अभिषेक श्रीवास्तव। दोस्तों, वर्क पावर एंड एनर्जी सीरीज में ये हमारी दूसरे नंबर की वीडियो है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से निमी पैटर्न के अनुसार आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो CITS व ITI स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली है। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक व शेयर करें, ताकि इसका लाभ अन्य विद्यार्थियों तक पहुंच सके। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर इज। तो फर्स्ट पार्ट में हमने प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ पावर की चर्चा की है, क्या होती है HP, ठीक है, हार्स पावर। हार्स पावर के बारे में आपको बताया कि मैट्रिक सिस्टम में ये होता है 15 किलोग्राम मीटर पर सेकंड के बराबर, और ब्रिटिश सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है 500 फुट पाउंड्स पर सेकंड के बराबर। इस सारी चर्चा हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। BHP इज इक्वल टू IHP प्लस लॉस, IHP माइनस FHP, IHP प्लस FHP, नन ऑफ द AB एबव। BHP मीन्स होता है ब्रेक हॉर्स पावर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग हॉर्स पावर ऑफ इंजन्स के बारे में पढ़ लेंगे। हॉर्स पावर ऑफ इंजन्स ओके। तो यहां पर देखिए, इंजन्स में बेसिकली जो कॉमन टर्म्स होते हैं वो तीन टर्म्स ऑफ होते हैं आपका IHP। IHP का फुल फॉर्म होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। क्या है ये, कौन सी पावर है? तो इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता है द एक्चुअल पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर। IHP मीन्स क्या? एक्चुअल पावर जनरेटेड इन द सिलेंडर। इंजन सिलेंडर जो एक्चुअल पावर जनरेट हो रही है उसको हम बोलेंगे इंडिकेटेड हॉर्स पावर, शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं IHP। देन बात होती है BHP की। BHP मींस होता है ब्रेक हॉर्स पावर। देखिए, ब्रेक हॉर्स पावर क्या होती है? जो एक्चुअल पावर जनरेट होती है सिलेंडर में, एक्चुअल पावर जो जनरेट होती है सिलेंडर में, वो इज नॉट अवेलेबल फॉर यूजफुल वर्क। वो सारी पावर हमें वर्क के लिए नहीं मिल जाती, कुछ उसमें क्या हो जाते हैं, लॉसेस हो जाते हैं। तो ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है कि जो यूजफुल पावर है, मतलब जो यूजफुल पावर है उसी को क्या बोलते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। अच्छा, लॉसेस क्यों होते हैं? क्योंकि आपका पार्ट्स में क्या होता है, इंटरनल फ्रिक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि इंजन के पार्ट्स क्या होते हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं। तो ड्यू टू मूविंग पार्ट्स क्या होते हैं, सम फ्रिक्शन इज देयर, दैट्स व्हाई सम लॉसेस आल्सो देयर। तो अब बताइए आपको फार्मूला क्या मिलेगा, IHP इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड हॉर्स पावर मीन्स टोटल पावर और एक्चुअल पावर, और BHP मीन्स क्या, ब्रेक हॉर्स पावर, इसी को हम बोलेंगे यूजफुल पावर। तो IHP इक्वल टू BHP। अब बताओ BHP में क्या कम है, जो लॉसेज आपके हो रहे हैं, जो आपकी हानियां हो रही हैं। तो IHP इक्वल टू क्या हो जाएगा, BHP प्लस लॉसेज, ठीक है। तो अगर हम यहां से BHP की बात करें तो BHP इक्वल टू क्या हो जाएगा, IHP माइनस लॉसेज। तो अब आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। तो BHP इक्वल टू क्या हो जाएगा, IHP प्लस लॉस, IHP माइनस FHP, IHP प्लस FHP, नन ऑफ द एबव। बोलो क्या होगा इसका आंसर, नन ऑफ द एबव, क्योंकि IHP माइनस क्या होगा, लॉस होगा, IHP माइनस लॉसेज, बट ए ऑप्शन में दिया गया है IHP प्लस लॉस, और बाकी सारे ऑप्शन जो है आपके क्या है, गलत, ठीक है, ओके। सारी एक चीज देख सकते हैं, हाँ एक कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, ये सही कर लीजिए, IHP माइनस FHP, यहाँ पर देखिए FHP भी लिखा हुआ है। तो इसी जो आपकी लॉसेज होती हैं, ये ड्यू टू फ्रिक्शन होती है, क्या होती है, ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट्स वाई हम इसको FHP के नाम से भी जानते हैं, यानी फ्रिक्शनल हॉर्स पावर के नाम से भी जानते हैं।
तो यहाँ पर IHP माइनस FHP, इसलिए आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि लॉसेस को हम FHP या फ्रिक्शनल हॉर्स पावर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट, द रेशियो बिटवीन BHP एंड IHP। तो देखिए एक टर्म आता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, क्या आता है मैकेनिकल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, अगर आप ब्रेक हॉर्स पावर और इंडिकेटेड हॉर्स पावर का रेशियो ले लें तो उसको हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगा BHP अपॉन IHP। तो देखिए यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेशियो बिटवीन BHP एंड IHP मींस मैकेनिकल एफिशिएंसी, क्या हो गए मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, तो अगर इसको हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा मैकेनिकल एफिशिएंसी इन परसेंटेज। ओके, तो ये हो गया आपका रेशियो बिटवीन BHP एंड IHP इज कॉल्ड मैकेनिकल एफिशिएंसी। देन क्वेश्चन नंबर 14, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं शक्ति कहते हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्षमता को ऊर्जा और शक्ति को क्या कहते हैं पावर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं शक्ति और क्षमता को क्या बोलेंगे ऊर्जा। तो यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, तो कैपेसिटी टू वर्क मीन्स क्या हो जाएगा यू विल टेक एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ओके, ये आपका हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैविंग बिकॉज इट्स पोजिशन। अब देखिए जब हम ऊर्जा के रूपों में बात करते हैं तो ऊर्जा के कई रूप हो सकते हैं, आपकी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, और आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, क्या पढ़ा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो व्हाट एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सेज, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मोमबत्ती से क्या होता है प्रकाश मिलता है, तो यहां पर केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। बल्ब आप लोगों ने देखा होगा, बल्ब में क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी में, क्योंकि बल्ब में क्या होती है सम हीट आल्सो देयर ना, तो लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। अगर आप जनरल मोटर की बात कर ले तो मोटर में क्या होता है लाइट एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, जनरेटर की बात कर ले तो मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस टाइप्स ऑफ एनर्जी कन्वर्जन आर पॉसिबल, बट सिद्धांत क्या बोलता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं। अब देखिए ऊर्जा के और भी रूप बताए गए हैं, दो रूप बताए गए, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मीन्स बोलो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा, और पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा। ओके, अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो वस्तु में उसकी गति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं गतिज ऊर्जा, और वस्तु की स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए द एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैविंग बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन, इसकी स्थिति के कारण ऊर्जा को क्या कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए आपको फार्मूला भी याद रखना है,
तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, आपको याद रखना, इसको के से डिनोट करते हैं, के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, जहां पर एम क्या है उस वस्तु का द्रव्यमान और वी क्या है वस्तु का वेग। तो हाफ एम बी स्क्वायर जब फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें क्या पता हो जाएगी कि उस वस्तु में कितनी काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स क्या होता है आपका स्थिति ऊर्जा, उस वस्तु की स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा को क्या बोलते हैं स्थिति ऊर्जा। इसका फार्मूला क्या होता है, यू बराबर एम जी एच, यानी एच ऊंचाई पर स्थित वस्तु की ऊर्जा क्या होगी एम जी एच, एम क्या है वस्तु का द्रव्यमान, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण और एच क्या है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जितनी ऊंचाई पर। तो ये हो गया आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी बिंदु पर ऊर्जा क्या होती है नियत होती है, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है एक नियत होता है, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब आपसे अगर हम बात कर लें कि पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल्स क्या है, तो जैसे पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो कोई वस्तु क्या है बहुत ही ज्यादा हाइट पर रखी है, तो उसको हाइट पर ले जाने के लिए कुछ कार्य करना पड़ा होगा ना, तो जो कार्य किया आपने उसको ऊपर ले जाने के लिए, तो उसमें जो कार्य जितना कार्य आपने किया वही कार्य उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है संचित हो जाती है। तो पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ए बॉडी प्लेस्ड एट हाइट, ए बॉडी प्लेस्ड एट हाइट, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका किसका पोटेंशियल एनर्जी का। देन सेकंड अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वाटर इन एन ओवरहेड वर्क, वाटर इन एन ओवरहेड वर्क वर्क। देन नेक्स्ट बात करें कंप्रेस्ड गैस, ठीक है संपीड गैस, कंप्रेस्ड गैस इन एन ओवरहेड टैंक, ठीक है वाउंड अप स्प्रिंग, ठीक है स्प्रिंग में संचित ऊर्जा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, पोटेंशियल एनर्जी के एग्जाम्पल हैं। बट काइनेटिक एनर्जी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे बहता हुआ जल हो गया, फ्लोविंग वाटर हो गया, ब्लोविंग विंड हो गया, रसिंग स्टेम हो गया, रोटेटिंग व्हील्स हो गए, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं काइनेटिक एनर्जी के। तो एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि बहते हुए जल की ऊर्जा किस का उदाहरण है, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, क्या बताओगे काइनेटिक एनर्जी का। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी हैविंग बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, तो इट्स इसकी स्थिति के कारण वस्तु में ऊर्जा संचित ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, गति के कारण संचित ऊर्जा गतिज ऊर्जा, तो काइनेटिक एनर्जी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट पे चलते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जो कार्य का मात्रक होता है वही हमारा क्या होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, तो ऊर्जा का मात्रक आपको जूल होगा, ठीक है ऊर्जा का मात्रक जूल, वो चाहे गतिज ऊर्जा हो स्थितिज ऊर्जा हो, ठीक है ऊर्जा का मात्रक आपका क्या होगा जूल होगा। और ऊर्जा की भी डायमेंशनल फार्मूला वही होता है जो कार्य का होता है, कार्य का, फिर कार्य का क्या होता है फिर से याद कर लो, फर्स्ट वीडियो में बताया था F into D, F का क्या होता है MLT minus 2 और D का क्या हो जाता है L, तो बोलते हैं ML2T-2, तो ये वर्क का होगा। अगर एनर्जी का आपसे कोई पूछ ले तो यही क्या हो जाएगा एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला आपका हो जाएगा। चाहो आप गतिज ऊर्जा के फॉर्म में भी ऐसे निकाल सकते हो, तो के इक्वल टू क्या हो जाता है हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना भाई, तो एम बी स्क्वायर में एम का बीमा एम हो जाएगा, बी स्क्वायर का बीमा क्या वी का बीमा LT-1 और इसका स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा तुम्हें ML2T-2। तो आपको जो कार्य की बीमा है वही किसकी बीमा है ऊर्जा की बीमा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अपोजिंग फोर्स इन मोशन इज कॉल्ड, तो जो अपोजिंग फोर्स होता है अगर गति गति करते हुए वस्तु का जो विरोध करती है, गति का जो विरोध करती है, इसको आपको फ्रिक्शन टॉपिक में बताया क्या बोलते हैं घर्षण कहते हैं।
घर्षण से संबंधित जो तथ्य हमारी घर्षण वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट वी इंटू आई रिजल्ट। तो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट वी इंटू आई, इसको हम बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? पावर। बट कैसी पावर? इलेक्ट्रिकल पावर। दिस इज द इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट रिजल्ट्स इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ए कार यूजेज टोटल एनर्जी ऑफ 2500 जूल एंड आउटपुट इज 750 जूल, इफिशियंसी ऑफ द कार इज। तो इफिशियंसी का फार्मूला अभी आप लोगों ने, मैकेनिकल इफिशियंसी का फार्मूला आप लोगों को क्या पढ़ाया है? एफ बी एच पी अपॉन आई एच पी। बोलो पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? पढ़ाया सर जी आपने, तो चलो लगाओ। इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है? बी एच पी अपॉन आई एच पी। बोलो बी एच पी क्या है? बी एच पी का मतलब ब्रेक हार्स पावर, जो यूजफुल पावर है। यूजफुल पावर आपकी कितनी है? 750 जूल। दिस इज द बी एच पी एंड दिस इज द आई एच पी, इंडिकेटेड हार्स पावर, बिकॉज दिस इज द टोटल एनर्जी। वैल्यू पुट करो तो 750 अपॉन 2500, ओके। कट करो इसको तो कितना आ जाएगा बोलो? 2500 अपॉन 750 अपॉन 2500। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इफिशियंसी परसेंटेज निकाले तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे आप? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। कर दो 100 से मल्टीप्लाई, जीरो से जीरो कैंसिल, आपका 5 × 10 हो जाएगा। 5 × 5 = 20, 5 × 5 बच्चा 2 × 5 = 20, तो 15 × 2 = कितना आ जाएगा? 30%। कितना आ जाएगा? 30% इज द आंसर, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ द कार कितनी हो जाएगी? 30%, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सीरीज की कार्य ऊर्जा और शक्ति की वीडियो में आपको और सारे क्वेश्चन करेंगे, जिसमें इस बार हम न्यूमेरिकल्स पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारी वीडियो को अपना प्यार देते रहिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर व लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके लिए बना सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।